गोरखपुर विद्या भारती द्वारा 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन बुधवार को पक्की बाग स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष और पूर्व महापौर अंजू चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राकेश सिंह, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय राजनीति शास्त्र की पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विनीता पाठक, सरस्वती विद्या मंदिर शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य रमेश राय सहित कई गणमान्य लोग व खिलाड़ी प्रतिभागी मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत उन्हें पुष्प भेंट कर किया गया, जिसके पश्चात छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक गीत की प्रस्तुति की गई। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सहित अन्य वक्ताओं ने खिलाड़ियों को खेल के महत्व को बताकर उन्हें अपने पसंदीदा खेल की ओर ईमानदारी से अग्रसर होने की प्रेरणा दी। आपको बताते चलें कि बुधवार को आरंभ हुए खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत आगामी 3 दिनों तक कबड्डी और कुश्ती सहित अन्य प्रतियोगिता आयोजित होंगे, जिसमें सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाड़ी प्रतिभागी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस प्रतियोगिताओं में विजय प्रतिभागियों को 25 अगस्त को सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम के अग्रिम कड़ी में बोल प्रतियोगिता में सहभागी बनने के लिए, विजय हासिल करने के लिए माननीय जगदीश जी का आमंत्रण करूंगा। मुख्य अतिथि शिक्षा संस्थान आज पूरे देश में सरकारी सहायता प्राप्त किए बिना इस देश का सर्वप्रथम संगठन माना जाता है और जहां से वह प्रारंभ हुआ वह प्रथम विद्यालय में आप इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं। विद्या भारती के जो सबसे पहला विद्यालय जहाँ से प्रारंभ हुआ उस समय के जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मनीषी थे उनके मन मस्तिष्क में शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श किस प्रकार से छुट्टि हो, इस देश को किस प्रकार एक अच्छा नागरिक प्राप्त हो, उस निमित्त समाज को एक ऐसा शिक्षण संस्थान देने का काम इसी परिसर से प्रारंभ हुआ। जब हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, कहीं दक्षिण में जाते होंगे, कहीं उत्तर में जाते हैं, तो वहां के ऐसे प्रबंध समिति के महानुभाव, वहां के आचार्य परिवार और कुछ पूर्व छात्र वो हमसे चर्चा करते हैं कि भाई साहब को गोरखपुर का जो विद्यालय है जहां से विद्या भारती ने अपना प्रथम पुष्प प्रकाशित किया था वो विद्यालय कैसा है, क्योंकि जो अपने अधिकारी हैं अपने प्रवास के क्रम में अपने बौद्धिकों में जो इस विषय की चर्चा करते हैं, एक छोटे से कमरे में विद्या भारती का भी विद्यालय प्रारंभ हुआ था और आज पूरे देश भर में हमारी ये शाखाएं फैल गई। तो मैं उनको बताता हूँ कि गोरखपुर का जो परिसर है, जो पक्की बाग का परिसर है, वो आप देख सकते हैं, आपसे बड़ा ही एक परिसर होगा, काफी उसने विस्तार भी किया। मैं तो यहाँ आने के बाद और चूंकि खिलाड़ियों के बीच में जब आया तो मैं ठीक 50 साल पहले पहुंच गया, क्योंकि 1968-70 में 3 साल यहाँ पर पढ़ा था, यही स्कूल छात्रावास था, यहीं पर रहते थे। विद्यालय भवन यह नहीं था, खपड़ेल का वो था विद्यालय था, लेकिन ये नीम अभी तक वो साक्षी है, ये विद्या भारती का ये जहाँ पर स्थापना हुई विद्यालय की, ये नीम अभी तक है। और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको विद्यालयों में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, खेलकूद को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए। हम लोगों के समय में इतना कुछ नहीं था,
लेकिन जो प्रतिभा होती है उनका कुछ न कुछ तो रहती है, बाघ मारता रहता है धीरे धीरे बचपन में। अब उसको अगर सही दिशा मिल जाए तो वो मार्ग पकड़ लेता है, आगे बढ़ जाता है, और नहीं तो वो प्रतिभा कुंठित हो जाती है। मुझे याद है कि ये पक्की बात जो आप परिसर कर, ये हमारा विद्यालय है, इसी परिसर में आधे में विश्व प्रसिद्ध एक अखाड़ा चलता है जिसे पक्की बाग अखाड़ा कहते हैं, विश्व प्रसिद्ध है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए, बहुत बड़े बड़े बने, आप लोग सिनेमा में दारा सिंह का नाम सुने होंगे, उनको हराने वाले भी पहलवान इस अखाड़े के रहे, तो सोचिए कितना मशहूर जगह है। तो हम लोग आप ही लोगों के तरह से, आपसे भी छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, तो चतुर्थ पंचम के बच्चे थे आप, तो उन पहलवानों को देख करके छात्रावास में जारी लगा है देख करके हम लोगों के अंदर में वो होता था पहलवान बनना नहीं, क्योंकि 3-4-5 के बच्चों कितनी ऊंची समझ नहीं होती, उनकी नकल में जा करके। और स्कूल में जब जगाया जाता था बच्चों को भोर में पढ़ने के लिए, तो मैं छत के ऊपर चला जाता था और कसरत करने लगता था, वो गिनती मिलाते थे, गिनती कम मिलती थी तो हमको खुजवाते थे, पता चला ऊपर है, तो उनको लगा मैं बहुत खराब काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमको तो माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है और मैं जाके एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो हमारी एक दिन पेशी कर दिया उन्होंने प्रधानाचार्य के सामने, उस समय नंदकिशोर दीक्षित जी प्रधानाचार्य थे, बहुत विद्वान बहुत योग्य, अभी इसी पिछले महीने उनका शरीर शांत हुआ है, वो मनीषी थे, विद्या भारती को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, मैं उनको प्रणाम करता हूँ उनकी स्मृतियों को। तो आचार्य जी ले जाके पेश कर दिए जैसे मैं कोई गुल्ली हूँ, कि क्या प्रधानाचार्य क्या क्या बात है, ताकि ये पढ़ने के समय भाग जाते हैं और जाके कसरत करते हैं, कसरत करते हैं ऐसा, तो क्या ठीक है बच्चों को एक एक गिलास दूध दिया जाता है, इनको कल से 2 गिलास दे दिया। वो 1 गिलास दूध की बात प्रधानाचार्य जी के राकेश सिंह के जीवन में इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट बना कि राकेश सिंह पहलवान पहलवान बन गया, और रेलवे में स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी भी लगी, अच्छी नौकरी लगी, रेलवे में अधिकारी भी हो गया खेलकूद कोटे में। लेकिन जो हम संघ के संस्कार हैं, जो यहाँ पर आपको खेल कूद पढ़ाई के बीच में जो शाखाओं के माध्यम जो संस्कार मिलते हैं, इन संस्कारों का असर था कि जब देश को आवश्यकता पड़ी तो रेलवे की अच्छी नौकरी छोड़ने में भी मुझे 1 मिनट तो सोचना नहीं पड़ा, किसी में घर से राय नहीं लिया, 1 मिनट लगा कि अगर देश को आवश्यकता है तो ठीक है मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, नौकरी छोड़ दिया। लेकिन ये संस्कार आए कहाँ से, ये संस्कार आए शिशु मंदिर से, ये और कहीं नहीं दिए जाते। शिशु मंदिर की स्थापना ही इसीलिए हुई थी क्योंकि आज़ादी के बाद जो हमारे यहाँ वो चल रहा था पैटर्न, उस कर्मल संस्कार था, अंग्रेज चले गए थे अपनी पद्धति छोड़ गए थे, उसी के पर लोग चल रहे थे, तो हमारे लोगों ने देखा और उसको ध्यान में रख करके जो हम लोगों को बताया गया उस समय कि पूज्य नानाजी देशमुख जी, अभी आप एक चित्र देख रहे होंगे अपने स्वर्गीय गांधी जी का, इन लोगों ने मिलकर के सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। हम लोग बहुत ऐतिहासिक जगह पर हैं बंधुओं, इस नाते बच्चों आपसे कह रहा हूँ भैया बहन, थोड़ा गौर से सुनना ये सब बातें, क्योंकि ये सब बातें मिलेंगे इन लोगों को जानकारी ही नहीं है, हमें वही इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो चला आ रहा है, अब कुछ सुधार चला है, काम चल रहा है 3-4 साल से। इस इतिहास में कभी ये नहीं बताया गया कि खेलने कूदने से बुद्धि का विकास भी होता है, हमें यही पढ़ाया गया है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, जबकि ऐसा नहीं है। ये उस समय की कहानियां हैं कि जिस समय 2-4 गांव के बीच में एक आदमी पढ़े लिखे होते थे और वो चिट्ठी पत्री गांव के लोगों का लिखते थे, लोग जाते थे दूसरे गाँव में चिट्ठी किसी का जाती थी पढ़वाने जाते थे, अपने बाबा बस पूछना आपको बताएंगे, तो उसमें पढ़े लिखे लोग होते ही नहीं थे, बहुत बड़े बड़े लोग जो संपन्न होते थे अपने बच्चों को शहर और में भेज के पढ़ाई करा लिया, पढ़े लिखे होते ही नहीं। अंग्रेजों का जमाना था, वो सोचे कि लोग अगर खेल कूद में सक्रिय होंगे बलिष्ठ होंगे भारत के नागरिक बलवान बनेंगे नौजवान तो हमें मार के खदेड़ देंगे, तो इस नाते इनको भुलवाए रखा। खेल कूद में जिसमें हमारी वो रुचि है रुचि के अनुसार खेल को चुनना चाहिए, ऐसा नहीं हमारी रुचि है और हमारे आचार्य कहते हैं तो कुछ भी लड़ो नहीं हो पाएगा, रुचि के अनुसार आचार्य को भी आपके पहचानना पड़ेगा, और आपको अगर आपकी रुचि के अनुसार थोड़ा सा धक्का मिलेगा तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे, अपने विद्यालय का नाम अपने गांव का नाम अपने देश का नाम आगे बढ़ाएंगे।
दूसरे से मेलजोल हो रही है, एक दूसरे से सेवा और मैत्री का भाव बढ़ रहा है और साथ ही साथ आप अपने लोगों से एक कम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ, लेकिन वो हेल्दी कम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि जितना आदमी खुश होता है, जितना खुश रहता है, तो खुश होने का सबसे अच्छा उपाय अगर माना जाए उसे आबो हवा साफ और सुथरा रहे, खुली आबो हवा में और खेल कूद को सबसे ज़्यादा उचित समझा जाता है और शरीर का एक सिक्रीशन जो होता है सीरोटोनिन जिसे कहते हैं, वो जब खेल कूद आप करते हैं वो ज़्यादा संख्या में आपके शरीर से निकलता है, आपको खुश रखता है और आपको स्वस्थ रखता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि खेल कूद का कितना महत्व है हमारे जीवन में और हमें आज से आगे आने वाले समय तक आगे बढ़ना होगा इसी तरीके से। इसके पूर्व आपको मालूम है कि आज ही हमारे सौरभ चौधरी जो कि एक बहुत महज मामूली किसान का पुत्र था और गांव में रहने वाला और पिस्टल के एमिंग में उसने पिस्टल शूटिंग में उसने गोल्ड मेडल प्राप्त किया ओलंपिक में, ये कितनी बड़ी बात है और योगी जी ने कितना बड़ा सम्मान दिया है। तो इससे आपको प्रेरणा लेनी है, आपको आगे बढ़ना है क्योंकि आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य है और हमारे भविष्य हमारे पेरेंट्स हमारे जो अभिभावक होते हैं उनकी भी एक ही इच्छा होती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें क्योंकि टफनेस और डेवलपमेंट दोनों के लिए बॉडी के लिए ये स्पोर्ट्स और एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बात को समझेंगे और जितना आप समझेंगे आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा, जब आप थोड़ी देर खेल कूद करके आएंगे तो आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा और खेल कूद में आप जो भी आपकी रुचि हो उसको आप अपने को आगे बढ़ाते रहें और अग्रसर होते रहें, यही मैं शुभकामना आज के दिन आपको देती हूँ।